नमस्कार, आप देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। श्री राम कथा हमें मर्यादा में रहना सिखाती है, साथ ही यह मानव का सही मार्गदर्शन भी करती है। जो मनुष्य सच्चे मन से श्री राम कथा का श्रवण कर लेता है, उसका लोक ही नहीं परलोक भी सुधर जाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत सत्कर्मों के बाद ही मनुष्य का जीवन मिलता है। यह बात प्रयागराज माघ मेले में हो रही संत मंडल काली सड़क सेक्टर नंबर 4 में 11 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन हरिद्वार से पधारे राजेश दास जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य को इसका सदुपयोग करना चाहिए और राम नाम का जप करते हुए अपने लोक व परलोक को सुधारना चाहिए। कलियुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा राम नाम ही है। प्रवचन के दौरान महाराज ने कहा कि हमें अपने दाम्पत्य जीवन में गंभीर होना चाहिए। पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र, सास बहू, सभी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। रामायण हमें मर्यादा सिखाती है। कल्पवास कर रहे प्रयागराज जिले के हंडिया ग्राम सभा मर्रो के निवासी ओमकार नाथ शुक्ला और माधोपुर एक्सप्रेस न्यूज के संपादक अशोक शुक्ला जी कथा का रसपान करते हुए आरती में शामिल हुए, जहां महाराज द्वारा अशोक शुक्ला को माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किए। राम जी चले गए हैं और निष्कंटक राज्य करने के लिए भरत अपनी पूरी सेना के साथ चढ़ाई कर चुका है और तुम लोग तैयार हो जाओ, किसी प्रकार की कोई कमियां ना हो, सारी नाव को नदी में छिपा दो, गंगा मां में छिपा दो, देखते हैं कि किस प्रकार से वो हमारे राम जी के पास जाता है। अभी तक उसका पेट नहीं।